हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो है स्नैपशॉट की डिटेल, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप वीएमवेयर ईएसएक्सआई 6.5 के ऊपर रखी हुई वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फिगर करते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फिगर करने पर आपके पास कौन सी एडिशनल फाइल्स ऐड होती है आपके डेटा स्टोरेज में। तो गाइस, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ईएसएक्सआई 6.5। बट उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वीडियो, लाइक अमेजॉन, एज्योर, गूगल क्लाउड, वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, डायरेक्टली हम चलते हैं पोर्टल पे, डायरेक्टली चलते हैं इन्वेंट्री पे, अपने ईएसएक्सआई 6.5 की इन्वेंट्री ओपन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो स्नैपशॉट है बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू माय सेटअप। ये अपने पास सेटअप है, ये ईएसएक्सआई 6.5 है। इसको हम एक्सेस करते हैं अपने वीस्पेयर क्लाइंट, वेब क्लाइंट के थ्रू, नॉट वीस्पेयर क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट के लिए वी जस्ट नीड टू ओपन एक, अपने पास कोई सा भी ब्राउजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं अपने पास गूगल क्रोम। सो इन द गूगल क्रोम आपको टाइप करना पड़ेगा अपने ईएसएक्सआई की आईपी एड्रेस। तो 192.168.0.108, ये अपने पास ईएसएक्सआई की आईपी है। आप इस आईपी को अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर दीजिए, राइट। जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, मोस्टली जो कॉमन यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, लेकिन पासवर्ड की बात करें तो जब आप ईएसएक्सआई को इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपसे रिक्वेस्ट करता है एक पासवर्ड कॉन्फिगर करने की, तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपने ईएसएक्सआई को एक्सेस किया जीयूआई के थ्रू, मींस वेब क्लाइंट के जरिए। चेक करते हैं कि अभी अपने पास कितनी वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है। तो आप वर्चुअल मशीन के पैनल पे जाते हैं, वर्चुअल मशीन के पैनल पे क्लिक करने के बाद एक मशीन अपने पास रन कर रही है सर्वर 2012 के नाम से। इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। हम इसको टर्न ऑन करते हैं, राइट। तो मीनवाइल इस वर्चुअल मशीन को हम टर्न ऑन होने देते हैं, एंड मीनवाइल चेक करते हैं कि अपने पास जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की है, इसके डेटा स्टोर में जाकर के देखते हैं कि कितनी फाइल्स अवेलेबल है। ये अपने पास डेटा स्टोर है, ब्राउज डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे एंड ये अपने पास फोल्डर, जो वर्चुअल मशीन का हमने क्रिएशन किया है वो फोल्डर सर्वर 2012 के नाम से क्रिएटेड है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है, राइट। VMDK, HLogs, VSwap, राइट, एंड NVRAM, BMDK, तो टोटल मिला के कुछ फाइल्स अवेलेबल है। लेकिन जब हम अपनी वर्चुअल मशीन को, जब हम अपनी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे तीन एडिशनल फाइल आपके पास और ऐड हो जाएगी। तो अभी अगर हम टोटल नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14 के आसपास फाइल्स अवेलेबल है। और जब हम एक बार अपने वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, तो देखेंगे तीन एडिशनल फाइल्स आपके इस डेटा स्टोरेज के उस फोल्डर में जहां पे आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट किया गया है, उस फोल्डर के अंदर तीन फाइलें और एडिशनल ऐड हो जाएंगी, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फाइल 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर ऑफ फाइल्स की अगर हम बात करें तो 15 डिफरेंट फाइल्स आर अवेलेबल। बट इसमें से कोई भी फाइल इसमें रिलेटेड टू द स्नैपशॉट नहीं है। एक फाइल है VMSD, जो कि मेटा डेटा है स्नैपशॉट का। तो ये फाइल्स की डिटेल हो गई। अब हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हमारी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन होती है, हम इसको RDP एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ MSTSC, ठीक है, और कोशिश करेंगे समझने की कि स्नैपशॉट की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है, राइट। तो अब ये अपने पास एक लाइव सीनरी हो गया, एक लाइव सेटअप हो गया, ESXi हो गया। ESXi के ऊपर एक सर्वर वर्चुअल मशीन रन कर रही है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2012 का इंस्टॉल है। अब देखते हैं कि इसका रियल सीनरियो में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका RDP एक्सेस करते हैं। RDP एक्सेस करने के लिए VM पे क्लिक करेंगे। VM पे सबसे पहले कंफर्म करना हमें इसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो राइट क्लिक करते हैं, गो टू द कंसोल, और कंसोल में इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद न्यू विजार्ड, ठीक है ना। एक सेपरेट विजार्ड में हम अपना सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकें। ओके, ये अपने पास टर्निंग ऑन हो रहा है सर्वर 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम, डन। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि इसका जो RD जो एड्रेस है ना, प्राइवेट पब्लिक एड्रेस है, वो क्या है। तो इसके लिए हमें लॉगिन कराना पड़ेगा, हम इसको लॉगिन करा लेते हैं, फाइन। सो ये सक्सेसफुली हमने लॉगिन किया अभी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द IP एड्रेस। तो IP एड्रेस चेक करने के लिए CMD, एंड CMD पे हम लिख देते हैं IP config,
आईपी कॉन्फ़िग में हम देख रहे हैं यहाँ पे 192.168.0.111 ये आईपी एड्रेस है अपने पास वर्चुअल मशीन की, जो वर्चुअल मशीन हमारी ESXi होस्ट पे रन कर रहा है। हम इसको एक्सेस कराते हैं RDP के थ्रू। तो RDP के लिए हमने एक टूल इंस्टॉल कर रखा है, इट्स माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप रिमोट डेस्कटॉप, इसको ओपन करा लेते हैं और इस RDP टूल के जरिए हम अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस कर लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। Okay, so it just taking time. Just give me 1 minute. VMware remote. I'm going to click on edit. यहाँ पे अपने पास IP address सेम दिखाई पड़ा 192.168.0.111 administrator and password cloud@123. इसको हम access कराते हैं RDP के केस में। Okay, just click continue. जो virtual machine हमारी ESXi पे हमने create कर रखी थी उसका हमने RDP access कर रखा है, ठीक है ना। ये अपने पास RDP कनेक्ट हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम ड्यू टू रीजन ऑफ इंटरनेट स्पीड। लेट मी कनेक्ट अगेन। तो हमने सक्सेसफुली अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ESXi होस्ट पे रन कर रहा है उसका हमने RDP एक्सेस कर लिया है। ये अपने पास ESXi का पैनल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्नैपशॉट, कि स्नैपशॉट की वर्क क्या हो, स्नैपशॉट का एक्चुअल टास्क क्या होता है रियल एनवायरनमेंट में। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, देन प्रोसीड प्रैक्टिकल के लिए प्रोसीड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमने अभी एक ESXi इंस्टॉल किया, राइट। ESXi को एक्सेस कराया वेब क्लाइंट के थ्रू। वेब क्लाइंट एक्सेस कराने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके वर्चुअल मशीन जो है वो आपके ESXi होस्ट के ऊपर रन कर रही है, राइट। ये अपना ESXi होस्ट हो गया जिसकी आईपी एड्रेस अपने 192.168.0.108 ये अपने पास ESXi की आईपी हो गई थी। एंड उस ESXi के ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है। दिस इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी आईपी एड्रेस 192.168.0.111, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट की इंपॉर्टेंस ऑफ स्नैपशॉट, कि जो आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है या इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली यू कैन से दैट द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट, जो स्नैपशॉट हम कॉन्फ़िगर करते हैं एक तरीके का बैकअप या एक तरीके का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते हैं जो करंट सिचुएशन होती है वर्चुअल मशीन की। जब भी आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हो तो एक तरीके का चेक पॉइंट बना लेता है। अगर आप हाइपरवी से कंपेयर करें तो हाइपरवी में चेक पॉइंट रहता है, और अगर आप VMware की बात करें तो VMware में स्नैपशॉट रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अभी वर्चुअल मशीन हमारी प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, हम अभी करंट टाइम में वर्चुअल मशीन पे ही वर्क कर रहे हैं। ये जो है हमने MS Paint ओपन किया है ये आपकी वर्चुअल मशीन पे ही रन कर रहा है, राइट, जो ESXi पे अवेलेबल है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP। हम इसी सिचुएशन में, जो ये एक्चुअल सिचुएशन है हमारी वर्चुअल मशीन की, इसी सिचुएशन पे हम अपने वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं। Maybe after some time, maybe after 2 days or 3 days, आपकी जो वर्चुअल मशीन है इसकी हार्ड डिस्क डैमेज हो गई या कोई और इशू आ गया, यू आर अनेबल टू लॉग इन योर मशीन। आप अपनी वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन तो कर पा रहे हैं बट उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं कर पा रहे। मीन्स सम प्रॉब्लम अकर्ड विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड ड्राइव है या OS है उसके अंदर कुछ फाइल मिस हो गई या जो हार्ड डिस्क लगा रखी थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स गुड थिंग कि आपने पहले से इसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो अगर आपके पास स्नैपशॉट है और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क डैमेज होने की या OS डैमेज होने की, तो आप अपने वर्चुअल मशीन को फिर से रिस्टोर करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। जो आपके पास स्नैपशॉट आपने क्रिएट किया था उस स्नैपशॉट की हेल्प से इस मशीन को फिर से रिकवर किया जा सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, क्या करेंगे इसमें, इस वर्चुअल मशीन की इसी कंडीशन में हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के बाद इसकी जो डी ड्राइव है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है उसको हम डिलीट कर सकते हैं एंड ट्राई टू ओपन आवर वर्चुअल मशीन अगेन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर देखते हैं। स्नैपशॉट के लिए हम वर्चुअल अपने ESXi के वेब क्लाइंट पे जाएंगे। ये अपने पास वर्चुअल मशीन है, आप एक्शन पे क्लिक करेंगे।
एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, टेक स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट एंड कंसोलिडेट डिस्क। ठीक है, मतलब समझते हैं, टेक स्नैपशॉट मतलब यू आर जस्ट टेकिंग द स्नैपशॉट, आप अपनी वर्चुअल मशीन की करंट सिचुएशन का स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं। मैनेज स्नैपशॉट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपके पास मल्टीपल स्नैपशॉट्स अवेलेबल हैं, कि पूरे मंथ में आपने अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 30 डेज में आपने अपनी सिंगल वर्चुअल मशीन को सिंगल वर्चुअल मशीन का 5 टाइम आपने स्नैपशॉट लिया, एक पहली तारीख को, देन 8 तारीख को, फिर 15 तारीख, 15 को, 20 को, 25 को, उसके बाद 30 को, अलग अलग डेट में आप अपनी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट करके मल्टीपल मीन्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैपशॉट क्रिएट कर लिए हैं। तो मैनेज के केस में जाकर के आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कि आप किस डेट में इसको रिस्टोर कराना चाहते हैं, एक तारीख की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, 25 की चाहिए या 15 की चाहिए, जो भी आपके पास स्नैपशॉट्स होंगे, जो भी आपके पास स्नैपशॉट की डेट होगी उन डेट की इन्फॉर्मेशन होगी, और आप अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उस डेट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर डेट में अपने वर्चुअल मशीन को रिस्टोर करा सकते हैं। कंसोलिडेट डिस्क का मतलब होता है कि जो अलग अलग डेट में कॉन्फिगर किए हुए आपके स्नैपशॉट हैं उनकी डिस्क को कंबाइंड करके एक सिंगल हार्ड डिस्क बना लेगा, जिससे थोड़ा सा आपकी जो स्टोरेज स्पेस होता है, जो कंजप्शन होता है स्टोरेज स्पेस का, उससे हम उसका बेनिफिट मिल जाता है कि आप स्टोरेज को जो सेव कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसमें हम पहली बार स्नैपशॉट कॉन्फिगर करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, नेम के लिए मेंशन कर देते हैं, कोई सा भी नाम ले देते हैं, लाइक एज अ टेस्ट स्नैप, ठीक है ना। हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया विद नेम ऑफ टेस्ट स्नैप, डिस्क्रिप्शन आपको देना है, यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द टेक स्नैपशॉट। ये प्रोसेस दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, टास्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये क्रिएट स्नैपशॉट में 3%, 6%, और आपकी वर्चुअल मशीन जो है इस टाइम पे उसका RDP लॉस हो चुका है, बट वर्चुअल मशीन हमारी करंटली रन कर रही है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी पिंग फेल नहीं आएगा इन केस अगर आप स्नैपशॉट कॉन्फिगर करते हैं। तो जैसे ये 100% होता है, हम क्या करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन्स में कुछ एडिटिंग करेंगे, लाइक एज अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज कर देंगे, या उसकी सी ड्राइव को रिकॉन्फिगर कर लेंगे या डिसकनेक्ट कर लेंगे और फिर से रिस्टोर कराने की कोशिश करेंगे। 98%, 100% कंप्लीटेड, ठीक है ना। आपने जो स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया उस टाइम पे आपका जो आपकी जो सिचुएशन थी वर्चुअल मशीन की, वो था MS Paint ओपन था, उस पर एक ये डायग्राम बना था जब आपने स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया। तो एक तरीके का ये जो लोकेशन है, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है आपकी वर्चुअल मशीन का, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है, राइट। सेम कॉपी जो है कैप्चर हो गई है। अब हमारा जो मोटो है, नेक्स्ट जो स्टेप है, कि हम इसको रिस्टोर कराते हैं वर्चुअल मशीन में, ये क्लोज करते हैं, ठीक है ना, उसको क्लोज करते हैं। एंड इफ यू वांट टू डिलीट सम फाइल फ्रॉम सी ड्राइव, अगर आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है तो आप सी ड्राइव में जाकर के इसमें कुछ फाइलें डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं या कोई भी अदर विजार्ड ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें लगे कि हमारा जो स्नैपशॉट है वो वर्क कर रहा है, राइट। हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके पैनल पे ओपन है अभी करंट टाइम पे, लेकिन ध्यान रहे जब हमने स्नैपशॉट कॉन्फिगर किया था तो विजार्ड था MS Paint का। अब जस्ट ट्राई टू रिस्टोर, जरूरी नहीं कि आप इसको डिलीट करें तभी उसको जो रिस्टोर काम करेगा, आप मशीन को चलते हुए भी रिस्टोर करा सकते हैं, कि अगर आपको पुरानी डेट में जाना है, आपको देखना है कि MS Paint पे जो विजार्ड बनाया था या जो उस टाइम पे डेटा रखा था उसमें कौन कौन से डेटा अवेलेबल थे, तो उसके लिए हमें पुरानी डेट में जाना पड़ेगा। मीन्स जो स्नैपशॉट आपने कॉन्फिगर कर रखे हैं उस स्नैपशॉट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट कराना पड़ेगा। तो देखते हैं प्रोसीजर कैसे रिवर्ट करते हैं। गो टू द एक्शन बटन अगेन, और एक्शन बटन में अपने पास अब अगर स्नैपशॉट पे क्लिक करें तो एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिस्टोर स्नैपशॉट की मीनिंग बता रहा है, जो आपने स्नैपशॉट कॉन्फिगर किया है उसकी डिटेल, क्या आप पुराने वाले रिस्टोर पे जाना चाहते हैं, जो रिस्टोर पॉइंट आपने एज ए स्नैपशॉट क्रिएट किया उस रिस्टोर पॉइंट पे जाना है, तो आपको रिस्टोर स्नैपशॉट पे क्लिक कर देना है। मैनेज स्नैपशॉट पे क्लिक करते हो तो आपकी डिटेलिंग दिखाता है कि आपके पास करंट टाइम में लोकेशन आपकी ये है, करंट टाइम में यू आर हेयर मीन्स आपकी जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है ये आपकी लोकेशन है, ये आपका ओल्ड है जहाँ पे आपने स्नैपशॉट कॉन्फिगर किया था, राइट। आप यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हैं, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द टेस्ट स्नैप जो हमने कॉन्फिगर किया था, और ऊपर देखो डिलीट स्नैपशॉट है, डिलीट ऑल है, एडिट स्नैपशॉट, रिफ्रेश, टेक अगेन स्नैपशॉट, और यहाँ पे है रिस्टोर स्नैपशॉट। हम क्या करते हैं, रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक रिस्टोर।
ठीक है, अगर हम यहाँ प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस ये अप्रॉक्सीमेटली 82% हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये 100% कंप्लीटेड। अब अगर आप RDP जो आपका कनेक्ट होगा, इस RDP में आपको पुराना विजार्ड दिखना चाहिए, पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो MS Paint का विजार्ड आपने ओपन किया था वो MS Paint का विजार्ड यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट। तो स्नैपशॉट की हेल्प से बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रीस्टोर पॉइंट बनाते हैं या चेक पॉइंट बनाते हैं, जिस चेक पॉइंट की हेल्प से आपके इन केस इन फ्यूचर वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पुराने वाली डेट में जाकर के अपनी वर्चुअल मशीन को रीस्टोर करा सकते हैं। इट विल बी टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिकनेक्ट होने में, आप मैनुअली रिकनेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसको हम एज इट इज होने देते हैं एंड ट्राई टू चेक कि इसमें क्या ऑप्शन दिखता है आफ्टर रीस्टोरिंग, राइट। तो ये वो लोकेशन थी जब हमने स्नैपशॉट कॉन्फिगर किया था। तो आपके पास एज इट इज सेम विजार्ड आपका दिखाई पड़ रहा है, सेम डायग्राम जो हमने उस टाइम पे क्रिएट किया था, सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मींस ये बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट एक तरीके का रिस्टोर पॉइंट है, हमें अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि कल की डेट में अगर कोई हमारी सी ड्राइव में प्रॉब्लम आ जाती है या हमारे वर्चुअल मशीन में कोई इशूज आ जाता है या OS की फाइल में कोई इशू आ जाता है, बूट नहीं हो पाता, तो आप अपने वर्चुअल मशीन को क्या कर सकते हो, पुराने डेट में रिस्टोर करा सकते हो। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्नैपशॉट ओवर आर ESXi 6.5। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, सारे स्टेप में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई सजेशन तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, विल हेल्प यू। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ VMware के या Amazon के, एंड विल डिस्कस मोर अबाउट द टेक्नोलॉजीज related to the VMware and Amazon. Thank you. Take care.